हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये वीडियो स्टार्ट होता है आफ्टरनून से और लास्ट वीडियो जहाँ पे एक्चुअली एंड हुआ है ना, उसी दिन का नेक्स्ट पार्ट है ये। चिकन मैरिनेशन में ये सारे स्पाइसेस के साथ प्लीज़ डू ऐड सॉल्ट। मैं सॉल्ट डालना भूल गई थी, पर थैंक गॉड वीडियो बनाते हुए इसीलिए मैरिनेशन के बाद में चेक कर रही थी कि मैं फुटेज आया है कि नहीं, ठीक से आया है कि नहीं, क्योंकि मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड करती हूँ तो आई डोंट हैव अ डिस्प्ले स्क्रीन। तब मैंने देखा कि मैंने तो सॉल्ट डाला ही नहीं, फिर बाद में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके फिर से मिक्स कर दिया था। पर आप लोग इसी स्टेज पर सॉल्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे तो नॉट अ प्रॉब्लम। बनने के बाद ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करके खाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे साउथ इंडियन स्टाइल फ्राइड चिकन या ठड्डा कड़ू चिकन बना रही हूँ। उसको मैरिनेट कर रही हूँ लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली फ्लेक्स, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और राइस फ्लावर। राइस फ्लावर 1 kg चिकन में 1 to 2 टेबलस्पून, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी मैं मैरिनेशन में ही डाल दे रही हूँ क्योंकि मैं एयर फ्राई करने वाली हूँ। अगर आप डीप फ्राई करोगे तो यू कैन स्किप ऑयल। मैरिनेट करके मैं कुछ देर फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहो तो 30-40 मिनट्स मैरिनेशन के बाद भी यू कैन स्टार्ट कुकिंग। ओ हाँ, वन ऑफ द मेन इन्ग्रीडियंट्स, काफ़ी सारा करी लीव्स चॉप करके मैरिनेशन में डालना है, उससे बहुत अच्छा एक एरोमा आता है। मैं एयर फ्रायर में चिकन हमेशा ही 180 डिग्रीज पे कुक करती हूँ। सिर्फ टाइम डिपेंड करता है चिकन पीसेस के ऊपर, चिकन का पोर्शन के ऊपर। आज का चिकन 180 डिग्रीज पे दोनों तरफ टर्न कर कर के ऑलमोस्ट 24 मिनट्स में हो गया था, लाइक 12 मिनट्स। इसके आगे उस दिन मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था, पता नहीं वीडियो कैसे स्लोमो पे रिकॉर्ड कर दिया। खैर, इसके बाद काफ़ी सारा फुटेज को मैंने एडिट करके ऐड ही नहीं किया इस वीडियो में, और वो भी मैं बना रही थी बीन्स आलू की सब्ज़ी। पर चलो, चिकन जब तक बन रही थी मैं रियलाइज़ कर चुकी थी कि मेरी वीडियो में काफ़ी सारा फुटेज स्पॉयल हो चुकी है। डिनर में बन गई है रोटी, बीन्स आलू की सब्ज़ी और साथ में साउथ इंडियन स्टाइल चिकन फ्राई। आज है फ्राइडे और देखते हैं पूरा दिन आज मेरा कैसा जाता है। क्या बताओ दिन कैसा था, अच्छा तो था नहीं कि मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करती। और ये फ्राइडे रात का भी नहीं, सैटरडे रात का आफ्टर डिनर बट लेट, तब मैं कैमरा ऑन की। कुछ देर के लिए आप मेरा वीडियो देखते हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी अपनी दुख भरी रोने वाली चेहरा दिखा के आप लोग को इरिटेट कर दूँ। सबकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और मैं इतनी रोबोटिक भी नहीं बन पा रही हूँ कि दिल में दिमाग में जो भी चले फिर भी मैं कैमरा ऑन करके अपने आप को रिकॉर्ड कर लूँ। रिकॉर्ड कर भी लेती हूँ ना, चेहरे पे सब दिख जाता है। ये डिशवॉशर के फिल्टर जो निकाल के क्लीन करना पड़ता है, जिसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं क्लीन करके डालूँगी। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि जितना मैं क्लीन करके डालूंगी ना उतना लेट आई विल गेट द चांस, मतलब उतना लेट मुझे क्लीन करना पड़ेगा। मैं ये बर्तन धोने वाला स्कॉच ब्राइट यूज करूँ क्योंकि ये मुझे अभी डिस्कार्ड, मतलब चेंज कर रिप्लेस करना है। मैं बर्तन धोने के लिए नया डालने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको इसमें यूज कर दिया। बर्तन जितना क्लीन करके डालती हूँ ना, फिल्टर उतना ही क्लीन रहता है फॉर लॉन्गर टाइम। ये फिल्टर वहाँ पे जाता है,
इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि मैं क्लीन करके डालती हूँ ताकि मुझे झुक झुक के नीचे ना जाना पड़े। और जहाँ पे मैंने आप लोग को रखा ना, मैं वहीं पे खड़ी होती हूँ उसको डालने के लिए, तो मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा। या लॉक है, लॉक हो जाता है। ये क्लियर है ना, तो इससे मैं पॉप्सिकल बना रही हूँ और ये फ्लेवर भी है, ट्विलर आइसक्रीम वाला फ्लेवर ही है। बीट द हीट एंड बीट द शुगर क्रेविंग, इन दोनों का ही इलाज चल रहा है। आइसक्रीम नहीं खाऊंगी और समर्स में मैंगोज पॉप्सिकल ये एंजॉय तो करना बनता है, इसीलिए मैं समर्स गिल्ट फ्री एंजॉय करूँ इसके लिए मैं अपने लिए बना रही हूँ प्रोटीन पॉप्सिकल। अच्छे से मिक्स करना है ताकि लम्स ना रहे एंड पुट इट इन द मोल्ड, एग्जैक्टली पॉप्सिकल जैसे खाने में होता है। आइसक्रीम छोड़ने की पूरी तैयारियां चल रही है, फ्रिज इज लोडेड विद प्रोटीन पॉप्सिकल्स एंड प्रोटीन फ्रॉस्टीज। तो मैं रखने की जगह बनानी है मुझे। हेलो फ्रेंड्स, संडे मॉर्निंग। एक दो दिन कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया नहीं था, जो भी फुटेज होगा दो दिन पहले का। उसके बाद अभी रायन को पिकअप करने के लिए जा रहे हैं ट्यूशन से, और उसके बाद उसको टेबल टेनिस ड्रॉप करना है, और राजीव भी है इधर, और बस मैं अपना चाय लेके आ गई हूँ, चाय पीऊँगी। रायन का ब्रेकफास्ट वो गाड़ी में ही कर लेता है। ग्रॉसरी हॉल, और सबसे पहले ब्रेड आइटम्स दिखा देती हूँ। रायन का लंच बॉक्स के लिए पिज़्ज़ा बेस, और ब्रेड के लिए पीटा ब्रेड, वही नो शुगर एडेड, नो एडेड सॉल्ट, नो एक्स्ट्रा एडेड फैट। और राजीव के लिए वो प्रोटीन ब्रेड और पाव भाजी ब्रेड, वन ऑफ द डेज विल हैव फॉर डिनर। और ये मैरिनेटेड चिकन, चिकन सिस्ताऊ दो ट्रे, एक योगर्ट, एक लवान, फ्रोजन पीज। मैं फ्रिज आइटम दिखा देती हूँ ताकि मैं फ्रिज में रख दूँ। मैंगो एप्रिकॉट ग्रीक योगर्ट, और फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस, और राजीव ने लिया था ये कुछ बीटरूट और कुछ जूस, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज इट। रायन ने लिया है क्यूवी जूस, राजीव का कोकोनट वाटर। मैं ये फ्रिज में रख देती हूँ, देन आई कैच यू। इसमें इंडियन अनियन मिल गया था तो काफ़ी सारा ले लिया है, टोमेटोज, लेटस, जुकीनी, रिज गोड या तुरई, लाइम, कैरेट, मिक्स्ड बेल पेपर, कैबेज हो गया, और फ्रूट्स में ग्वावा, मैंगोज, ब्लूबेरीज, और दो बिग पैक्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज। ये हो गया, और ये मैंने बताया था, आई थिंक आई स्टोल ना कोल्सलो, और अनस्वीटेंड आमंड मिल्क, कैजूज जम्बो, एक डार्क चॉकलेट, डाइजेस्टिव बिस्किट, और रायन ने लिया एक चॉकलेट फिल्ड कुकीज, और एक मैंने लिया है स्टेनलेस स्टील क्लीनर, वो सिंक में भी क्लीन करने के लिए। या दैट्स इट। बस बाहर से आने के बाद ज़्यादा देर रेस्ट भी नहीं की, मैं लग गई किचन में मिल्क प्रेप, उसके बाद डिनर, तो काम हो जाता है ना।
तो एक मेंटल पीस मिल जाता है, आराम से रात को सो पाती हूँ। ये एक प्रेस्टीज का नाइफ़ है, मेरे पास अलग अलग चीज़ें काटने के लिए 2-3 अलग अलग प्रेस्टीज का नाइफ़ है और दूसरे अदर लोकल नाइफ भी है नॉन ब्रांडेड। सब शुरू शुरू में ठीक थे, अभी इन सारे चाकू का हालत इतना ख़राब है और इतने सारे खराब वाले नाइफ़ मैंने इकट्ठा किया है, पता नहीं मैं कैसे काट रही हूँ सब्जियाँ, ये मुझे ही पता है। और किचन के काम में मुझे चॉपिंग से सख्त नफरत है, आई विश मुझे कोई चॉपिंग करके देने वाला मिल जाता है। और इतने गंदे वाले चाकू ना, ऐसा लगता है कि चाकू को फेंक दूर हाथ से ही काट लूँ। ये मैरिनेटेड चिकन तो सेकंड टाइम मैं लेके आ रही हूँ, पता नहीं ये कारफोर में नया प्रोडक्ट है कि हमारी नज़र में ये पहली बार आया है, पर काम बहुत आसान हो गया है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो, आप देख सकते हो हर हफ्ते में अलग अलग चिकन मैरिनेट करके कुक करके रान के लिए रखती थी। चिकन तो मैं 180 डिग्रीज पे कुक करती हूँ और ये चिकन 18-20 मिनट्स में हो गया था। पीसेस छोटे थे, ऑन टॉप ऑफ दैट मैरिनेटेड और ऊपर से ब्रेस्ट पीस, जल्दी कुक हो ही जाता है। और आम लेके आई थी, 1-2 आवर्स अच्छे से पानी में सोक करके रखी थी। आम जब भी लेके आती हूँ पानी में सोक करके रखती हूँ। एक साइड चिकन हो गया था तो मैंने निकाल के इसको टर्न करके अदर साइड कुक करने के लिए फिर से रख दिया था। मेरे पास ये चिकन स्क्वायर्स रखने के लिए बड़े साइज़ का ग्लास बॉक्स है नहीं, इसीलिए मुझे ये प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बॉक्स ही यूज़ करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे काफ़ी ड्राई है, इसीलिए अलग से होल्स को ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी जगह मॉइस्चर है तो आप थोड़ा सा टोस्ट करके फिर कूल डाउन करने के बाद ही ग्राइंड कीजिए। पाउडर करके रखने से ना फटाफट चीला बना सकते हो। और घर में मैं तो डिफरेंट टाइप का मिलेट्स का चीला है या ओट्स का चीला बनाती हूँ। ओट्स चीला रायन का फेवरेट बन चुका है, उसको तो उतना पता नहीं, पर जब भी ओट्स चीला बनता है वो काफ़ी सारा खाता, मतलब गरम गरम बनता है ना, खुद उठ के आके ले लेता है वो। मेरा मिल्क पैक थोड़ा सा ही रहता है, वैसा ही थोड़ा सा ही है। रायन के टिफिन, मेरा सैलड के साथ ग्रिल चिकन, ये तो आज डिनर के बाद डेजर्ट के हिसाब से आम काट के रखी हूँ। रायन का लंच बॉक्स में चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा कैरेट और 3 टाइप का बेल पेपर काट के रखा है, लेटस। और कभी भी हफ्ते में मुझे अगर चीला बनाना तो ओट्स को मैंने पाउडर करके रख लिया, इससे बहुत काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद डिनर बनाते हैं। बना रही हूँ चिकन सूखा, और चिकन सूखा का जो पाउडर मसाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है, लास्ट टाइम बनाए थे उसका एक और से थोड़ा ज़्यादा ही बचा हुआ है, पर अगली बार मुझे फ्रेश बनाना है तब पक्का आप लोगों से शेयर करूँगी। थोड़ा सा अनियन और ग्रेटेड कोकोनट मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ, इसको कूल डाउन करके फिर मुझे इसका पेस्ट बनाना है। तेल गरम होते हैं मैंने डाल दिया मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड क्रैकन होने के बाद यहाँ पे मैंने स्लाइस्ड अनियन डाल दिया है। फिर अनियन भूनने के लिए मैंने लिड भी लगा दिया था, क्योंकि मेरा ऑयल बहुत कम रहता है इसीलिए कुकिंग थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अनियन फ्राई होने के बाद यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, उसको भी अच्छे से भून लेना है ताकि जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल चला जाए। कुकिंग ऑयल कम है इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मुझे अलग अलग करके भूनना पड़ता है।
प्याज थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगा तब तक जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल भी चला जाएगा, फिर चिकन ऐड करेंगे। चिकन सियर होने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया मसाला, चिकन सुखा मसाला, जिसका इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे मैंने ऐड किया ड्राइड करी लिप्स, अगर आपका फ्रेश है तो आप शुरू में मस्टर्ड सीड्स के साथ डाल दीजिएगा। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ वो जो अनियन और ग्रेटेड कोकोनट रोस्ट करने के बाद पेस्ट की थी वो ऐड कर दूँगी, ताकि सब कुछ एक साथ अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा टोमेटोज ऐड किया है, ये टोटली ऑप्शनल है। थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं गर्म पानी में टैमरिंड को सोक करके रखी थी उसी का पानी मैंने ऐड किया है। और ये चिकन रायन का डिमांड का था। एक्चुअली रायन ना मुझे ऐसे बोल देता है ना कि ये वाला चिकन बना के खिलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता कि मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर मैं रायन का ही प्लेट लगा रही थी। खाना बनते बनते थोड़ा लेट हो गया था और घर पे वही सबसे पहले खाता है। चिकन चुक्का या चिकन सूखा, उसका फाइनल लुक। हेलो फ्रेंड्स, डिनर के बाद बाहर आ गए कुछ काम से। रायन और मेरा डिनर हो गया, ये वापस जाके ही खाएगा। कुछ काम से आए थे, पता नहीं वो काम होगा कि नहीं। राजीव बाहर आने के बाद बोल रहा है कि आई एम नॉट श्योर वो काम होगा कि नहीं। अभी तो रास्ते में बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। होपफुली जब वी विल रिटर्न तब तक ट्रैफिक कम हो जाएगा। राजीव का जो काम था वो तो हुआ नहीं। उसने जैसे मैं एमरल्ड पहनती हूँ वो भी, उसका रिंग का एक क्लिप निकल गया था तो स्टोन खो जाता, उसके लिए उसने रीमेक करने के लिए दिया था, वो रेडी हुआ नहीं। बट मेरा काम हो गया। आदिल आई थी, आके देख रही हूँ दावत बासमती राइस, ऑरेंज दिख रही हूँ, दावत बासमती राइस यहाँ पे 9 dirhams डील पे दे रहा है। आज सुबह भी कारफोर में इट वाज 17 or 19 dirhams का था और के एम में भी 15 to 17 dirhams, तो इट वाज अ स्टील। मैंने 4 kilo उठा लिया है, घर पे ऑलरेडी 6-7 kilo है ब्राउन राइस, फिर भी आई टू किट। राजीव यू थैंक मी, मैंने तुम्हारा डाइट चिड़वा भी ले लिया है। और तो मेरा काम हो गया है और वीडियो भी यही पेंट करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।